हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी का। आज की जो अपडेट आ रही है वो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो कराया जाता है बिहार सरकार का, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए आपका ये चार पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पहला आपका है पॉलिटेक्निक अभियंत्रण, ठीक है, उसके बाद है आपका पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक, और फिर पारा मेडिकल इंटर स्तरीय है आपका। पारा मेडिकल जो है वो माध्यमिक स्तरीय, ठीक है, जो भी लोग पारा मेडिकल या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए ये अपडेट है। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वो स्टार्ट हो चुका है, कैसे करना है, नहीं करना है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरत होगा, ठीक है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना फीस रखा गया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है, तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें, ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है पॉलिटेक्निक, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में आपका पीई बोला जाता है। ठीक है, यदि आप लोग पीई के लिए क्या है, बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय निजी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभ्यंतरण डिप्लोमा पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसको पीई बोलते हैं आप लोग, डिप्लोमा जो सिंपल वाला है, और एक होता है आपका पार्ट टाइम 4 वर्षीय, ठीक है, जो पार्ट टाइम करते हैं उनके लिए 4 वर्ष उसमें लगता है। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका पीईई, ठीक है, पीपीई इसके लिए निकली हुई है। ठीक है, और तीसरा पोस्ट जो है वो पारा मेडिकल है, जो इंटरमीडिएट स्तरीय, ठीक है, जो इन्होंने इंटर कर रखा है ये उनके लिए है। ठीक है, तीसरा पोस्ट, और चौथा पोस्ट आपका निकला पारा मेडिकल, ये जो आपका माध्यमिक स्तर का है, मीन्स जो 10th किए हुए हैं उनके लिए है। ठीक है, इनको बोला जाता है शॉर्ट में पीएमडी। ठीक है, तो ये चार पोस्ट निकले हुए हैं। पहला आपका क्या है, पीई है, ठीक है, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपका पीई, उसके बाद पीई है दूसरा पोस्ट है आपका, ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पोस्ट आपका जो है वो है पारा मेडिकल, ठीक है, इंटर वालों के लिए, और चौथा है आपका पारा मेडिकल 10th वालों के लिए। ठीक है, तो ये चार पोस्ट के लिए जो है ये आप लोग का आवेदन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो डेट आपका रखा गया है, ठीक है, तो पहला जो आपका दो पोस्ट है, पहला पॉलिटेक्निक के लिए और दूसरा जो उसका पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक 4 वर्ष वाला, ठीक है, उसके लिए आप एप्लीकेशन, उसका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 9/5/2020। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 9/5/2020 को होगा आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम। ठीक है, और पारा मेडिकल वाले जो इंटर स्त्री हैं और 10th बेसिस पे हैं, ठीक है, उनका एग्ज़ाम होगा आपका 10/5/2020 को। ठीक है, ये हो गया आपका एग्ज़ाम का डेट। ठीक है, अब चलिए देखिए कैसे हमको अप्लाई करना है। तो अप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है इस वेबसाइट पर आना है, bceceboard.bihar.gov.in, ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको आना है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप 1, अप्लीकेशन में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के हम अपना वहाँ पे जो है एक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, कैसे करना है इसका भी मैं वीडियो आपको डालूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो उसी के ऊपर होगा कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो सारा अप्लाई करके मैं दिखाऊँगा, तो आप लोग जुड़े रहें बस चैनल के साथ। ठीक है, तो आपको पहले जो आपको ईमेल आईडी चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए, फर्स्ट स्टेज में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो मिलेगा। ठीक है, यूज़र नेम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ डिटेल से देना पड़ेगा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, स्टेट हो गया आपका, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़, नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में जो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है ना, फ़ोटो और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी जो है यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको 4th में देखिए क्या करना है, 4th स्टेज में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपने जो पढ़ाई की हुई है, जैसे आपने 10th किया है तो 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। यदि आपने 12th किया है तो 12th का यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से किया है, स्कूल का नाम हो गया आपका, कितना परसेंटेज मार्क्स आया है, तो ये सारा चीज़, और जिनका अभी नहीं आया है तो वो जो है स्कूल का नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5th नंबर में आपका है स्टेप 5, है ना, इसमें क्या है, प्रीव्यू योर एप्लीकेशन। ठीक है, सारा चीज़ डाल लेने के बाद
आपको प्रीव्यू करने के लिए आएगा एप्लीकेशन, ठीक है। प्रीव्यू मीन्स क्या, वहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन शो करेगा जो भी आपने फिलअप किया है, और आपको पूछा जाएगा क्या ये सही है। यदि ये सही रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे यस का, और कंफर्म और सबमिट कर देंगे फॉर्म को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। स्टेप 6 में आपका है पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी का। तो एग्ज़ाम फ़ी देखिए क्या क्या रखा गया है, कैसे पेमेंट करना है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूँ। तो पेमेंट जो है आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, बैंक के चालान के माध्यम से भी किया जा सकता है, बैंक के चालान से, और ये फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो यदि आपके पास ATM है, डेबिट कार्ड वगैरह है, ठीक है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाके आप चालान कटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना कितना इसमें फीस जो है वो रखा गया है, ठीक है। यदि आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे कितना था, 4 था, एक पॉलिटेक्निक था, एक 4 वर्षीय आपका पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक था, है ना, और दूसरा पारा मेडिकल था इंटर स्तर पे, और तीसरा जो था आपका पारा मेडिकल था 10th बेसिस पे, है ना। तो यदि आप इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी जनरल OBC वालों को देने पड़ेंगे 750 रुपये, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 750 रुपये। और यदि आप ST SC कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप विकलांग हैं, तो आपको देने पड़ेंगे 480 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कितने हैं, 480 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं, ठीक है, 480 रुपये। उसके बाद यदि आप इनमें से दो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और पारामेडिकल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 850 रुपये, ठीक है, किसको, जनरल को और OBC वालों को, ठीक है। और यदि आप ST SC कैटेगरी से आते हैं और आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं, तो आपको देने पड़ेंगे 530 रुपये, ठीक है, यदि आप दो फॉर्म को एक साथ भरते हैं तो। उसके बाद तीसरा नंबर में आपका यदि आप तीन को एक साथ करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक हो गया, पारा मेडिकल हो गया, और फिर एक आपका 4 वर्षीय जो है उसको भी आप तीन, किसी तीन को एक साथ भरते हैं, ठीक है ना, तो आप सामान्य है, जनरल हैं और OBC, आपको सामान्य और OBC वालों को 950 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, और ST SC और विकलांग वालों को जो है यहाँ पर 630 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आप चारों पाठ्यक्रम के लिए, है ना, चारों समूह के लिए भरते हैं, ठीक है, तो आपको देने पड़ेंगे 1150 रुपये, और 1150 रुपये जनरल और OBC वालों को, 750 रुपये आपका हो गया किसके लिए, ST SC और विकलांग कोटि के लिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, पेमेंट कम्प्लीट होने के बाद आपका देखिए फॉर्म को जो है हमको क्या करना है, उसका हार्ड कॉपी, है ना, जो भी आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका हार्ड कॉपी मीन्स उसको क्या करना, प्रिंट कर लेना है। अब प्रिंट वाला जो होगा उसका, उसको अपने पास में रखना है, ठीक है, उसको कहीं पे भेजना नहीं है ऑनलाइन, उसको भेजना नहीं है उसको, ठीक है, ऑफलाइन, तो उसको अपने पास में रखना है। और वो जो आप रखिएगा उसको आपको कब मांगा जाएगा, तो उसको आपको भविष्य में मांगा जा सकता है, जैसे कि जब आप काउंसलिंग करने के लिए जाइएगा उस समय आपका वो मांगा जा सकता है, और उसके ऊपर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इसलिए उसको फेंकना नहीं है, अपने पास में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपका फॉर्म, यदि कुछ आपको त्रुटि रह गया फॉर्म में, मान लीजिए आप कुछ गलती मिस्टेक कर दिए, ठीक है, तो आपको एक बार एडिट करने का मौका जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप चाहिएगा फिर से हम एडिट करें तो वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो एडिट जो है वो कब से कब के बीच में होगा वो मैं भी बता देता हूँ, देखिए 20/4/2020 से 23 के बीच में जो है आपका फॉर्म एडिट हो सकता है, ठीक है, इस बीच आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, जिस भी पेज पर आपका क्या है त्रुटि है ना, उसको सही कर लें, फिर से उसका प्रिंट जो है रीप्रिंट निकाल लें न्यू वाले का, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का प्रिंट निकाल लें और उसको अपने पास रख लें, ठीक है। चलिए अब मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डेट वगैरह है वो बता देता हूँ। तो देखिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18/3/2020 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 17/4/2020 को, ठीक है ना, 11:59 PM में, मीन्स 12 बजे रात तक आपका ये चलेगा, 17/4/2020 तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रो चलान आफ्टर सबमिशन, लास्ट डेट जो है पेमेंट का आपका 18/4/2020 है, ठीक है, 17 को क्लोज हो रहा है और एक दिन ज़्यादा उससे आप जो है ये पेमेंट कर सकते हैं चलान के थ्रू, ठीक है, और ऑनलाइन भी सेम डेट है, ठीक है, उसी टाइम को आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, 19/4/2020 तक को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में आपका देखिए
नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, इस सारे मीडियम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करने का डेट बता चुका हूँ मैं, है ना, 23 तक है लास्ट, 20 से लेकर 23 तक आप लोग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं इस बीच में, ठीक है, उसके बाद नहीं होगा, इसलिए इसको याद रखें, ध्यान दें इस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है कब इशू किया जाएगा, 19 यहाँ पर देख रहे होंगे, 30/4/2020, 30/4/2020 को आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जो है आप देख ही चुके हैं, आपका पॉलिटेक्निक और 4 वर्षीय जो आपका पॉलिटेक्निक है उसके लिए आपको है कितना, शनिवार को 9/5/2020 को, और पारा मेडिकल 10th और पारा मेडिकल आपका इंटर स्तरीय के लिए है 10/5/2020 को, है ना। तो ये सारा इम्पोर्टेंट डेट है, इसको एक बार अच्छे से देख लें आप लोग, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आयु की बात कर लेते हैं, न्यूनतम एज क्या रखा गया है, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम एज वैसे जो पॉलिटेक्निक है करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी न्यूनतम एज नहीं, पॉलिटेक्निक वालों के लिए, ठीक है, माध्यमिक स्तरीय न्यूनतम एज कुछ भी नहीं है, कोई भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट टाइम जो पॉलिटेक्निक है उसके लिए जो आपका न्यूनतम एज है रखी गई है 19 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, पार्ट टाइम के लिए 19 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद पैरामेडिकल के लिए आपका, पैरामेडिकल जो आप 10th बेसिस पे है, ठीक है, उसके लिए आपका न्यूनतम एज 15 वर्ष रखे गए हैं, ठीक है, और अधिकतम 30 वर्ष याद रखिएगा। जो पैरामेडिकल करना चाहते हैं आप 10वीं के बाद, उनके लिए न्यूनतम एज 15 साल होना चाहिए, ठीक है, और अधिकतम एज जो है वो 30 साल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका पैरामेडिकल जो इंटर के इंटर वाले करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए न्यूनतम एज जो है 17 वर्ष रखी गई है, ठीक है, और अधिकतम 35 वर्ष, ठीक है। ये सारा चीज़ था जो हम मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और इसका मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो है ये सारा अप्लाई करना है, ठीक है, मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊँगा एक डेमो के थ्रू, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है, थैंक यू।